एंड अपनी लैला भी यार, गाइस रेडी हो गई है। अपनी लैला बैक फायर मार रही है, आप लोगों को सुने दिया कि नहीं दिया पता नहीं, बट बैक फायर मारा भाई, गप्पू बैक फायर मार रहा है भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी का स्वागत है हमारे और नए मस्से व्लॉग में। सो गाइस, आज हम लोग अपने कल वाले ब्लॉग को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोगों ने इससे पहले वाला मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें हम लोग कर रहे थे अपनी लैला की रिएक्शन वीडियो पब्लिक में कैसा होता है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी लैला का डिबी कलर खोल दिया है। सो वो हम लोग बना रहे थे, बट कल व्लॉग में यार काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था, तो हम लोग वो ब्लॉग ठीक से कर नहीं पाए, उस तरह का हम लोग रिएक्शन नहीं मिला जिसे हमें मिलना चाहिए था। सो इसलिए हम लोगों ने सोचा उस ब्लॉग हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। सो चलिए लेट्स गो, आज हम लोग ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। एंड हम लोगों ने कल अपनी लैला को वॉश भी नहीं करवाया था, रात हो गया था, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग को पता होगा। सो आज हम लोग सबसे पहले अपनी लैला को वॉश भी करवाएंगे। एंड कल का तो सीन आप लोग देख ही रहे थे गाइस ब्लॉग में, क्या हार्ड हुआ था। जब हम लोग कोकचो से वापस आ रहे थे तो हमें रास्ता में दो लोमड़ियाँ मिली थी, भाई बहुत भारी सीन। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग जाके देखिए यार, मतलब बहुत ख़तरनाक सीन। हम लोग रास्ते से जा रहे थे और दो लोमड़ी रास्ते से पार हुए थे दौड़ के। सो आप लोग देखिए वो ब्लॉग भी, एंड आई होप आप लोग आज का ब्लॉग भी इन्जॉय करेंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। एंड हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने दोस्त नीरज के पास, उसके पेट्रोल पंप वहाँ करण है, उनसे मिलते हैं एंड फिर हम लोग निकलते हैं आगे। एंड आज कंटिन्यू फिर से करते हैं अपनी लैला की रिएक्शन वीडियो विदाउट डीबी कलर। एक बार एग्जॉस्ट नोट विदाउट डीबी कलर आप लोग सुन लीजिए लैला का। ओहो, ये देख रहे ना, डीबी कलर हट गया है गाइस, भारी। अभी थोड़ा हम लोग लैला को थोड़ा हीट कर लेते हैं, यार ठंडा हो गया था घर में रहते रहते, सो थोड़ा हीट कर लेते हैं। और आप लोग भी एग्जॉस्ट नॉट थोड़ा सुन लीजिए। आई होप आज का रिएक्शन वीडियो तगड़ा मिलना चाहिए हमें लैला का, क्योंकि कल शाम भी हो गया था, उस तरह बन नहीं पाया। आज देखते हैं, आज अच्छा बन जाना चाहिए। एंड चलिए तो हम लोग आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। एंड ब्लॉग शुरू होने से पहले सबसे पहले सभी को आइलिंग पाइथन सबिन को जोहार और नमस्ते। सो चलिए अब हम लोग अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। वही गाड़ी गाड़ी देख रहे हो, पब्लिक रिएक्शन चाचा लोग का। सुबह सुबह सही है। अरे भाई आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जो भाई साहब है कार चलाते चलाते यार फोन है बात कर रहे हैं, हमें साइड भी नहीं दे रहे हैं। एक तो है भाई रोड यार पतला सा, आप चार चक्का चला रहे ऊपर से फ़ोन है बात करते करते, मतलब यार अलग ही लेवल, मतलब दुनिया से मतलब ही नहीं है भाई साहब को। ओ एंड गाइस, अपने को भी बहुत सारे काम हैं लैला को लेके भी। आप लोगों ने कल वाले ब्लॉग में तो देखा ही होगा हमारी लैला का डीबी कलर जो था वो तो भाई अलग ही लेवल हो गया उस डीबी कलर के साथ, वो तो डीबी कलर ही टूट गया है। एंड डीबी कलर का जो बाकी पार्ट होता है वो तो पेंट पाइप के अंदर ही रह चुका है अपने लैला के अंदर, इसलिए भी हमारी लैला से हल्का वो झरझनाने वाली आवाज़ आ रही है, बिकॉज वो पार्ट अंदर ही रह चुका है। एंड जो पार्ट बचा था वो आगे का फेस था, तो वो तो हम लोग ने निकाल ही लिया खोल के। एंड अभी हमें वो सबसे पहले काम हमारा वही रहेगा लैला के अंदर से वो पार्ट निकालने का भाई, वरना बहुत दिक्कत है। क्या क्या होता है यार अपने साथ भी। और ये हम पहुंच गए अपने
कॉलेज मोड़ वाले पेट्रोल पंप अपने नीरज चाचा के पास। ये रिएक्शन देख रहे ना लोगों का, पेट्रोल पंप में भी ये हमारे गप्पू दोस्त का एनएस खड़ी है एंड हमारे नीरज सर के भी एंटॉक खड़ी है। अभी लोग दोनों है कहाँ, हम कंफर्म बता रहे हैं, लोग दोनों अंदर बैठ के मस्त एसी का हवा ले रहा होगा। यार ये लोग का ये चलता है, कहाँ गए चाचा। जयंत सर कहाँ, करण करण करण। ओ सो गाइस, अभी अपने नीरज सर कुछ काम कर रहे हैं, वो बिजी हैं अपने काम में, सो उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। और पता नहीं हमारा करण कहाँ भाग गया। यार पेट्रोल पंप में भी यार बहुत सारे काम होते हैं, मतलब क्या ही बोले। ओ गप्पू दोस्त उधर है हमारा, लग रहा अपना करण भाई थोड़ा बिजी है, समझ भी थोड़ा वेट कर लेते हैं अपनी गाड़ी के पास और फिर निकलते हैं यहाँ से। ओह एंड ये जो दोनों एनएस है, ये दोनों BS6 मॉडल है, एक अपनी लैला एंड अपना एक करण भाई का। एंड अभी गाड़ी हम लोग को तीनों को वॉश करवाना है, मुझे भी, करण का भी एंड निकोल्स को भी। तो अभी निकल रहे हैं पेट्रोल पंप से, चलिए यहीं पर धुलवा ले क्या गाड़ी दीदी से। चलो एंड ये हम लोग पहुंच गए ब्लू डॉल्फिन, अब हमें यहाँ कराना अपना गाड़ी वास तीनों को लाइन से। सो भाई लोग हम लोग आ गए हैं अपने ब्लू डॉल्फिन, हम लोग यहाँ पे गाड़ी वॉश करवाएंगे तीनों एंड यहाँ काफ़ी अच्छा गाड़ी वॉश होता है, फोम वॉश बहुत तगड़ा चलता है यहाँ पर और यहाँ का प्राइस भी बहुत सही है। सो हम लोग भी वॉश करवाते हैं, तब तक हम लोग वेट करेंगे अंदर, हम लोग कुछ खान पान भी कर लेते हैं। अभी अपने करण भाई को एंड अपने नीरज सर को काफ़ी भूख भी लग रहा है, ये लोग नाश्ता भी नहीं किया है। सो यहाँ की खास बात यही है भाई, यहाँ होटल भी है एंड प्लस गाड़ी वॉश भी है। सो आप लोग गाड़ी वॉश कराते कराते आप लोग को वेट करना, तो आप लोग अंदर भी वेट कर सकते हैं, अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन भी काफ़ी सही है। सो अंदर वेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, खाइए पिए ना आपका गाड़ी, तब तक यहाँ बाहर रेडी। सो ये है हमारा ब्लू डॉल्फिन, एकदम शानदार। काफ़ी तगड़ा किया, क्या जी? अरे पैसे 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 सर सर सर, कसोल जाना है हम लोग को इसी से। इसे खर्चा उठा दे रहा क्या नीरज? हाँ। अरे भाई भाई गप्पू गायब करते हैं इसका आधा रास्ता में नीरज को, बैग भर के पैसा है मेरे ना गाइस, हम लोग का अंबानी। हाँ रे इधर ही बस घूमते फिरते आ रहे हमारे नीरज छोटू अंबानी, काफ़ी पैसे हैं इसके बैग में। तो गाइस ये है अपना ब्लू डॉल्फिन, क्या नहीं तुम लोग हम खा के आए घर से। सो ये अपना ब्लू डॉल्फिन अंदर से काफ़ी तगड़ा है, इसका इंटरनल डिज़ाइनिंग भी एकदम बहुत सही यहाँ पर यूज़ हुआ है, हमारे ट्रक सबका टायर का भी काफ़ी तगड़ा। यार अपनी लैला कितनी गंदी हो गई है, देख रहे हो ना गाइस, एकदम धूल ही धूल, बाप रे काफ़ी ज़्यादा गंदी होगी अपनी लैला, तो इसे ज़रूरी है नहलाना, वॉश करवाना, तो ये अभी हो जाएगा। जल्दी से चमक जाओ लैला, अपनी लैला के साथ अभी यहाँ पर न्यू RS भी खड़ा हुआ है, उसका भी वॉशिंग है। यार RS लवर जानते हैं कि RS भी क्या चीज़ है, क्या पावर है यार, ये दोनों गाड़ी बजाज का दोनों 200cc सेगमेंट में यार आफत गाड़ी आफत। जो लोग फैन हैं उन लोगों को पता है यार NS क्या चीज़ है, RS क्या चीज़ है, सबको पता है यार। दम जब ये दोनों गाड़ी आया था यार, दम तबाही मच गया था रास्ता में, तबाही।
सो लेट्स गो बॉयज। आई थिंक हमारा गाड़ी का आवाज़ हो चुका है। हाँ हो गया है, अपनी तीनों गाड़ी का आवाज़ हो गया है। तीनों गाड़ी अभी चमक रही है बहुत हार्ड यार। देख रहे हो ना मैचिंग मैचिंग कलर मेरा और नीरज का गाड़ी का एंटॉक और अपनी लैला। ब्याह करा देते हैं क्या दोनों का? मैचिंग मैचिंग खा रहा है लाल लाल एंड अपनी करण भाई की नई NS पूरी चमक रही है वो ओ एंड अपनी लैला भी यार गाइस रेडी हो गई है, मास्क हो के आ गई है, तगड़ी लग रही है, चमक रही है। अरे ये ला प्रॉब्लम ना मेरा भैया तेला लूज हो गया था, हम शोरूम गए थे ना पूछना है तुम्हें क्या बोलते हैं भैया प्रेसेट में आता है ऐसे नहीं होगा आपको प्रेसेट लेना पड़ेगा ऐसा खर्चा है फिर प्रेसेट लेने का। हाँ मतलब भाग कौन उतना खर्चा कराएगा भाई नॉर्मल हम कोई दुकान में गए वहाँ पता है अपने वाशर लोग लगा दिया 2-3 और टाइट कर दिया पूरा खत्म। कौन शोरूम में छोटे छोटे काम करने नहीं खोजता, डायरेक्ट बड़ा खर्चा कराने खोजता है। चलो अपनी लैला बैक फायर मार रही है, आप लोगों को सुने दिया कि नहीं दिया पता नहीं बट बैक फायर मारा भाई गप्पू बैक फायर मार रहा है भाई। यार अपनी NS में अपनी लैला में बैक फायर एक्रोफोबिक बहुत भारी चीज। तो गाइस मुझे पता नहीं आप लोगों को उस समय पता नहीं चला कि चला, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो सुने दिया होगा नहीं दिया होगा माइक में बट लिटरली बता रहा हूँ गाइस मुझे फील हुआ, मुझे पता चला दो बार अपनी लैला में बैक फायर मारी है दो बार। अरे भाई लैला यार तू ही तो मेरी जान है। अब हम लोग घर बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग सुबह 9 में निकले थे और 12 बज गया है, घर में भी सकल सूरत दिखाना पड़ेगा वरना यार घर से ही हमें निकाल दिया जाएगा। सो अपना काम तो हो गया है, अपन को ब्लॉग बनाना था बन गया है एंड आई होप आप लोगों को भी ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। और गाइस आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, चैनल से बने रहिए, आगे हमारा और भी कोशिश रहेगा हम लोग और भी ऐसे ऐसा ब्लॉग सब इंटरेस्टिंग मज़ेदार ब्लॉग सब लाते रहेंगे। एंड एक छोटा सा सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए, अभी नहीं वो आगे जाकर नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, बस इंतज़ार कीजिए आगे आने वाला और कुछ एक दो ब्लॉग में फिर अपना पास भी यार कुछ आने वाला है एंड उसके बाद यार अपना ब्लॉगिंग यार फाड़ू चलेगा एंड हम लोग भी ट्राई करेंगे उसके बाद डेली ब्लॉग्स करने का। अगर डेली ब्लॉग्स नहीं हो पाए तो कम से कम एटलीस्ट 1 में 2-3 ब्लॉग बना के डालने का। तो आप लोग का भी सपोर्ट रखा था यार बहुत जल्दी है सब हम लोग भी शुरू करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए खाइए पिए खुश रहिए मस्त रहिए एंड यार गाइस राइड हार्ड राइड सेफ। टिल देन दिस इज साइनिंग ऑफ बिरबा जी एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, बाय बाय।